please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है आपका वीकेंड मस्ती में और मस्ती की पूरी तैयारी है. हमारी टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है लेकिन विपिन लगता है अब अगली किक मारने ही वाले हैं. किक तो नहीं, पंच मार सकता हूँ फुटबॉल में यहाँ पर. लेकिन देखिए, अब फुटबॉल वर्ल्ड कप में वक्त आ गया मलाई खाने का. मतलब बहुत मेहनत लगती है देखिए मैच देखने में. रात को 11:30 बजे देखिए मैच देखिए तो शुरुआती दौर अच्छा हुआ और अब हम राउंड ऑफ 16 में चले गए. यानी अब सारे नॉकआउट मैचेस होंगे. पहले से ज्यादा मजा, पहले से ज्यादा रोमांच. हाँ, कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई जर्मनी बाहर हो गया, इटली इस साल खेल ही नहीं रहा, नीदरलैंड्स नहीं है, लेकिन फिर भी ने देखना बंद कर दिया. मैंने देखी ही नहीं है लेकिन वर्ल्ड देखिए वर्ल्ड कप हुआ तो मजेदार है. बहुत बढ़िया वर्ल्ड कप हुआ है अभी तक का. सारे टीम्स ने अच्छा खेला है. जो अंडरडॉग्स थे उन्होंने तो बहुत ही अच्छा खेला. अगले कुछ दिनों के लिए हम शिफ्ट चेंज कर लेते हैं. विपिन को सुबह बुला लेते हैं, दोपहर में आए. मुझे देखिए अब जो मैचेस होने वाले हैं, हालांकि उसका एक पार्ट तो आपको थोड़ा अखरेगा. एक मैच होगा रात को 11:30 बजे और एक मैच होगा आपके लिए 7:30 बजे. तो अब जो कल के दो इंपॉर्टेंट मैचेस हैं वो है फ्रांस और अर्जेंटीना. तो देखिए देखिए सबको अच्छा लगा. हाँ, ये 7:30 बजे वाला है तो मेसी साहब का जादू देखने की इच्छा होगी. आप पिछले मैच में नाइजीरिया के अगेंस्ट एक गोल मारने में वो कामयाब रहे थे और क्रेडिट उनको जाता है. थोड़े थोड़े फॉर्म में आते हुए भी लग रहे हैं. लेकिन क्या कल वो अपनी टीम को आगे यानी क्वार्टर फाइनल्स में ले जा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी. लास्ट एट में ले जा पाएंगे ये देखना होगा. फ्रांस जी, ये नॉकआउट राउंड. अब जो हारा वो बाहर है, ठीक है. और फ्रांस और अर्जेंटीना सबसे मजबूत टीमों में से एक हैं. तो ये मुझे लग रहा था कि फ्रांस किसी और से भिड़ती, अर्जेंटीना किसी और से भिड़ती, पर अब शुरू से ग्रुप ही एक था तो कुछ आप कर नहीं सकते. कल का दूसरा मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जहां पर पुर्तगाल खेल रहा है और वो खेलेंगे यूरुग्वे के साथ. तो उन्होंने भी तो काफी रोनाल्डो अब तक के सबसे ज्यादा गोल मारने वाले, 7 गोल अपने नाम कर चुके हैं अब तक विश्व कप में. तो रोनाल्डो के मतलब बढ़िया फॉर्म में. आलोचना होती थी कि वर्ल्ड कप में, हाँ, तो इस आलोचना पे मेसी और नेमार तो खरे उतर गए. उन्होंने कुछ खास किया नहीं है. लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जिसे कहते हैं ना जन्मपत्री पे जूता मारा इस बार गोल्डन. हो सकता है गोल्डन बूट ले जाए. जूता ही मिलता फुटबॉल में, सबसे अच्छा खेलता है उसे जूता मिलता है. बस ये कि वो सोने का होता है, मतलब पॉलिश सोने की होती है. तो गोल्डन बूट के हकदार हैं. सो ये दो बड़े मैच, बाकी बहुत सारे मैचेस हैं लेकिन ये कि आपका वीकेंड पे कहाँ नजर होनी चाहिए, ये दो बड़े मैचेस हैं. उसके अलावा 1 जुलाई यानी संडे हुआ, संडे तो स्पेन वाले लोग आएंगे. स्पेन खेलेंगे रशिया के साथ जो कि एक मेजबान है लेकिन दूसरा बड़ा दावेदार है. और क्रोशिया डेनमार्क, तो ये सबसे कम इंटरेस्टेड मैच होगा. लेकिन जिनका इंटरेस्ट है, क्रोशिया बहुत अच्छा खेल रहा है अभी तक. डेनमार्क इज ऑल्सो अ गुड टीम. लेकिन बड़े यही है जहाँ पे आप रोनाल्डो मेसी इस तरह के लोगों को आप देखेंगे. तो ये इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी. संजू अच्छा, वीकेंड में 11:30 बजे आप जग सकते हो. वीकेंड में क्या दिक्कत है? सैटरडे देख सकते हैं कि क्या ये मैचेस मूवी से ज्यादा एक्साइटिंग नहीं, मूवी से ज्यादा एक्साइटिंग नहीं होंगे. मैचेस तो मैचेस एक्साइटिंग है लेकिन मूवीज इतनी एक्साइटिंग नहीं होगी. लेकिन मेरे ख्याल से नहीं, मैंने देखी नहीं. क्या बात कर रहे हो, मैं तो सोच रहा था आज आप देख के आएंगे. नहीं संजू, मैंने मिस कर दी है. अलग काम है. उनको ऑफिस में बुला लिया विपिन सर. क्या कर रहे हो, कैसे देखती हैं? उनको पूरी छूट है फ्राइडे को, वो कभी भी आए पिक्चर देख के आए. थर्सडे शाम को दे दीजिए ना मुझे सारे फैसले. थर्सडे शाम को कभी तो हम जॉब एक्सचेंज कर सकते हैं क्या ये बात में लेकर. एनीवेज, लेकिन संजू आप बिल्कुल देखने जाइए क्योंकि संजय दत्त की कहानी, जिंदगी की कहानी बहुत ही कंट्रोवर्शियल रही है, हम सब जानते हैं. लेकिन उसको पर्दे पर उतारना और उसे किस लाइट में पर्दे पर उतारा गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. राजकुमार हिरानी हमेशा से अपने आप को बहुत बड़ा फैन कहते आए हैं संजू बाबा का और वो उनकी जो फैनगिरी है वो दिखाई दी है इनकी फिल्म में. लेकिन जो अब तक रिव्यूज़ मैंने देखे हैं, जितने भी लोगों से मैंने बात की है, फिल्म बहुत पसंद आई है. न सिर्फ कहानी की वजह से बल्कि रणबीर कपूर की वजह से ज्यादा, क्योंकि रणबीर कपूर को एक जरूरत थी सबसे पहले हिट की. हम सब जानते हैं इम्तियाज अली की फिल्म करते करते वो ट्रैवल बॉय बन गए हैं. लेकिन उसके बाद अब उन्हें कोई संजीदा रोल मिला जिसको वो परफॉर्म कर सके शिद्दत से और वो उन्होंने करके भी दिखाया है. आप देखिए रणबीर कपूर
प्रोमोस में देखा होगा कितने ढल के निकलता है। बहुत दूर की बात हो गई, मेरा संजय दत्त में एज पर्टिकुलर कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन रणबीर कपूर का जो पोस्टर देख रहा हूँ पांच अलग अलग लुक वाला, वो मुझे थोड़ा करता है कि जाके पिक्चर देख लूं। जो पहली बार लुक भी जब रील हुआ था तभी ऐसा लग रहा था अरे बाप रे ऐसा हो सकता है, कोई एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। लुक वाइज तो लोगों ने मेहनत की है उन पर, लेकिन उन्होंने खुद उनका संजय दत्त का हाव भाव पकड़ा है, चाल ढाल पकड़ी है, आवाज और वो स्टाइल सब कुछ। और संजय दत्त अगर आप देखें उनकी जो फेजेस है वो फेजेस में हमेशा न सिर्फ अलग दिखे हैं बल्कि उनकी उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत अलग रही है, और वो सब भापा है रणबीर कपूर ने और किरदार में, मतलब उसको रणबीर कपूर को नहीं देखना एक्चुअली, बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स है इसके अंदर जिसको डेफिनेटली देखना चाहिए। आई थिंक हर्षदा एक कैरेक्टर की खास मेंशन कर रही थी, नरगिस का जो रोल प्ले कर रही है, प्रदीप मेंशन कर रहे थे मनीषा कोइराला एज नरगिस दत्त एंड दिया मिर्जा एज मान्यता, बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। नए लोगों को दर्द का रिश्ता याद नहीं होगी, तो हम लोग दोपहर में ही बात कर रहे थे कि अगर आपको वो याद है कैंसर नरगिस दत्त का उससे रिलेशन, और फिर मनीषा कोइराला चूंकि कैंसर से उभर कर आई है इसलिए ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए। सजदा की लाइफ में अगर आप देखें तो नरगिस उनकी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है, उनके अभाव के बाद उन्हें उनकी मृत्यु के बाद बहुत सदमा पहुंचा और ये उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बहुत रिफ्लेक्ट हुआ। और उसके बाद जिस तरह का रोल उनके पिताजी ने निभाया है सुनील दत्त ने, अब और उसमें परेश रावल है मेरे ख्याल में, मैंने प्रोमोस देखे मूवी मिस नहीं कीजिए, मूवी से देखेगी हर्षदा। फुटबॉल इंटरेस्टिंग है लेकिन संजू भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है, और टिकट्स वैसे मिल नहीं रहे हैं तो आपको बुकिंग जल्द से जल्द करनी है। टिकट भी नहीं मिल रहा तो ये पीवीआर चला क्यों नहीं प्रोमोस भी टीजर्स भी लॉन्च हो चुके हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, बहुत ब्रेक लेने का समय बता दो। फन्ने खान आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसका टीजर लॉन्च हुआ है, अनिल कपूर इस मुख्य भूमिका में है, दबा के प्रमोशन चल रहा है, फर्स्ट लुक फिल्म का रिलीज हुआ है जो की बहुत इंटरेस्टिंग है। सत्यमेव जयते जॉन ने एक और बार कुछ पेट्रियोटिक किया है और आई होप ये परमाणु की तरह नहीं हो, 15 अगस्त को ही रिलीज कर रहे हैं ये फिल्म। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जहां पे अनिल कपूर और सोनम कपूर एक साथ पर्दे पर आ रहे हैं, बाप बेटी का रोल निभा रहे हैं, इसमें जूही चावला भी है और बहुत ही मशहूर गाना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा उसी पर ये फिल्म आधारित है। मुल्क एक और पेट्रियोटिक फिल्म है और कारवां इरफान खान की ये आखिरी फिल्म बताई जा रही है, इन्होंने उसके बाद के अपने सारे कमिटमेंट्स एग्रीमेंट्स कैंसिल कर दिए हैं, ये एक फिल्म वो पूरी करके अपने ऑपरेशन अपने इलाज के लिए गए हैं और बस उम्मीद करते हैं कि ठीक होकर आ जाए। इस बार है ना खाना नहीं है मेरे पास, कोई अच्छे इवेंट नहीं है, बारिश में खाना, बारिश में बाहर का खाना भी नहीं, बारिश में बाहर का खाना नहीं खाना, तो बाहर का नहीं खाना है तो घर पे चाय पकौड़े भुट्टा ये सब खा सकते हैं और होप करें कि अच्छी अच्छी बारिश हो। तो अगर इसके अलावा लेकिन म्यूजिक के बहुत सारे इवेंट्स है। सोनू निगम आज परफॉर्म कर रहे हैं मुंबई में, टिकट थोड़ी सस्ती लग रही है मुझे, 800 से 2500 की, बहुत सस्ती है। तो आप सोनू निगम को परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं तो आज पहुंच जाइए मुंबई फीनिक्स मार्केट सिटी में। इसके अलावा रंजीत बारोट, पहले इस इंसान के बारे में आपको बताना चाहूंगी, एक बहुत ही उमदा सिंगर कंपोजर म्यूजिक डायरेक्टर है और ए आर रहमान के साथ लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, उनके जो भी लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं वो सब यही कंपोज करते हैं। तो अगर आप वो अब एक शो कर रहे हैं ट्रिब्यूट दे रहे हैं ए आर रहमान जी को, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा और माना जाता है कि ए आर रहमान का कॉन्सर्ट देखिए या फिर रंजीत बारोट का परफॉर्मेंस देखिए, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। रंजीत बारोट के लिए बता दूं कि मैं रंजीत बारोट को ए आर रहमान से पहले जानता हूं, जब छोटा था कैसेट्स आते थे उनके कंपोजिशंस होते थे, रंजीत बारोट इज एन बिल्कुल, तो बहुत अच्छे सिंगर है, तो आपको इनका कॉन्सर्ट देखना चाहिए। ये हो रहा है सैटरडे को, कल मतलब, और टिकट्स भी सस्ती लग रही है, 1200 से 2000 तक की टिकट है। ये हो रहा है गिरगांव में द क्वार्टर करके रॉयल ओपरा हाउस में, तो मुझे लगता है इसके लिए डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। तीसरा परफॉर्मेंस हो रहा है नेहा कक्कर और एक दिल्ली बेस्ड बैंड है बिस्मिल करके, ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं गुड़गांव में, एंट्री फ्री है तो आप जा सकते हो जाके नेहा कक्कर को सुन, बिल्कुल गुड़गांव में
नेहा कक्कड़ को अगर परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं, फिलहाल तो उनका आवाज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. फाइनली ऑल द यंग पीपल, आयुष्मान खुराना जी परफॉर्म कर रहे हैं, बेंगलुरु में परफॉर्म कर रहे हैं. टिकट्स बहुत सस्ती है, 700 से 1500 रुपए की है, तो मुझे लगता है इसके लिए भी आप जा सकते हैं. आयुष्मान खुराना जी, आयुष्मान खुराना जी, ये रिस्पेक्ट आ जाता है खुद ब खुद ही ना उनको देख करके. इतना अच्छा कुछ नहीं हो सकता. तुम आयुष्मान खुराना जी की तस्वीर लगा के उसकी आरती उतारना. बहुत सारे म्यूजिकल आपने ऑप्शन दिए हैं, तो इस वीकेंड में बारिश का मौसम है, थोड़ा सा रूमानी हो जाए और थोड़ा सा फुटबॉल भी हो जाए. अरे लॉन्ग शॉट तो काटो.